तो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। BSCS जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि कल अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज, इसका लेक्चर नंबर टू मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ। लेक्चर नंबर टू, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको मैंने बताया था कि एग्जाम टाइम पास में है, बिल्कुल उसी टाइम बाद में अपना एग्जाम होना है, तो आप बुक से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्या होगा कि बुक्स में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं, कुछ उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसमें कई सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कल अपने किए थे लगभग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए उनको एक बार देखते हैं, ध्यान से देखना। पहली चीज यही बोलूंगा आपको, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सोल्व करना है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट देखा और ये दिमाग में चलने लगे कि ये कौन सा होगा कौन सा नहीं। नहीं, कॉपी पेन लो, एक एक ऑप्शन लिखो, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी जो भी बनाना चाह रहा है एग्जामिनर, वैसे वैसे अपने को चलना है, ठीक है। कॉपी पेन लो खुद, और ये देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कल भी 5 क्वेश्चन किए थे, आज भी 4-5 क्वेश्चन ही है, तो आप एक अपनी कॉपी बना लो छोटी सी, उसमें एक क्वेश्चन लिख लो। देखना, जब आप बार बार वीडियो देखोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जब कॉपी में आपके पास क्वेश्चन होंगे तो भी टाइम नहीं लगेगा, और हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्लेडन की जो सीरीज है वो चल रही है अपनी, ठीक है। और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे, या कुछ हाफ पोर्शन किसी क्वेश्चन का मिल जाएगा। चलो देखते हैं, ये देखो नंबर एक, देखो ये क्वेश्चन नंबर एक। अब आपको इसमें क्या करना है कि पहले एक बार दिमाग लगाना है खुद का कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। देखो इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, एक तो ये आ गया, एक एल्कोल आ गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ गया, तो क्या हो सकता है इसमें। मीन्स लास्ट स्टेप तो पता है क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो देखो चलो, इसमें सबसे पहले ए जो है वो क्या करेगा, तो इस कंडीशन में ये क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसको देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखना, अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ ऐसे, और ये क्या दे दिया, एच प्लस, ये क्या दे दिया, एच प्लस। अब इसकी प्रेजेंस में क्या हो सकता है कि ये जो लोन पे रही है यहाँ से आ जाए, ये यहाँ से आ जाए, मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ, टी एच पी की, टेट्राहाइड्रोपाइरेन, टेट्राहाइड्रोपाइरेन का फॉर्मेशन होगा। तो वो कैसे हो जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ ये एच प्लस लग गया, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये बन गया अपने पास। अब क्या हो सकता है इसमें भाई, इसका काम तो कंप्लीट हो गया। अब देखो अपने पास क्या है, ये एल्कोल, इसका ओएच है और एसिड का ओएच है, तो कोई इसके ऊपर अटैक करे जाके, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट बन गई है ना, यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। क्या हो गया, डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो ये क्या चाहेगा कि ये कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, वापस स्टेबल हो जाए, कि क्या बन जाए, टी एच पी बन जाए, ये टी एच पी, ठीक है। ये अब ये कैसे बनेगा देखना, कि ये जो एल्कोल है अपना सबस्ट्रेट, इसको मैं यहाँ लिख लूँ एक बार इसका सॉल्यूशन। देखो इसको क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ CO2H, और ये क्या अपने पास एल्कोल, ये क्या है एल्कोल। अब देखो क्या होगा इसमें, ये जो एल्कोल दे दिया अपने को, तो ये इसके लोन पे ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और इसको यहाँ से यहाँ भेज देगा, इसको यहाँ से यहाँ भेज देगा। तो देखो अगर इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन सा स्ट्रक्चर अपने पास बन जाएगी, देखो ध्यान से देखना। देखो बच्चों ध्यान से देखना कि सिर्फ रिएक्शन कहाँ हुई है, एल्कोहल के ऊपर। तो ये देखो, ये स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ चेंज हुई क्या, नहीं बिना, अब इसका नाम पूरा लिख लो, या टेट्राहाइड्रोपाइरन, और इस साइड में क्या रह गया अपने पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि सर ये ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया और ये बना दिया, ठीक है, एसिड करता नहीं है, क्योंकि इसका अब देखो क्यों नहीं करता है, दोनों के लोन पेयर हैं भाई, दोनों के पास लोन पेयर है ना, तो किसके लोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो इसके साथ सीओ के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाएगा, इसको आगे से आगे भेज दे, क्लियर है, ए स्टेप आपको पता है। चलो अब चलें दूसरा स्टेप क्या होगा, ये एक काम पूरा हो चुका है एक नंबर का, तो दूसरे में दे दिया अपने को सर, दे दिया एल्कोल और एच प्लस, क्या दे दिया एल्कोल और एच प्लस। अब एच प्लस दे दिया तो एच प्लस क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, क्या करेगा कि इस एसिड को वो कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, तो फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो देखो ध्यान से देखना, फिर क्या दे दिया, एक साथ कर लेता हूँ मैं इसको, आर ओ एच, तो इसका जो ओ आर है वो यहाँ अटैक करेगा और ये वापस यहाँ से आएगा, और क्या निकल जाएगा, एक मोल एच टू का निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक मोल एच टू होगा। तो देखो अपने पास ये स्ट्रक्चर बन गई क्या, इस साइड में तो क्या बन गया, ओ डी एच पी, और ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, क्लियर है भैया, ये दो नंबर एजेंट का काम पूरा हो चुका है।
एल्कोहल वाले का, ठीक है, ये बन गया है। चलो दो नंबर का काम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूजन भी स्टार्ट होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको एक एक जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका पूरा फंक्शन पता होना चाहिए, उनका पूरा फंक्शन पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से अपने पास ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे कि सर किसका करें किसका नहीं करें। तो एक जाहिर सी बात है कि जब भी अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, मीन्स एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, इनका तो ये एल्कोहल में कन्वर्जन करता है। लिथियम एल्युमिनेट किस में करता है? एल्कोहल में। तो चलो एक बार तो उसका देखते हैं, इसका तो क्या बन गया? एल्कोहल, ठीक है भैया, इसका तो क्या बन गया? एल्कोहल। कि एस्टर को किसको, ये जो एस्टर है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? एल्कोहल में। अब देखो सर ये भी है ओ टी पी एच, ओ टी पी एच। अब देखो कल भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें यहाँ क्या था, ओ टी एस, टोसाइल हाइड्रोजन। तो उसको तो ये किस में कन्वर्ट करता है? सिर्फ पूरे को हटा के हाइड्रोजन बना देता है। क्या बना देता है? हाइड्रोजन। अब देखो ये कहीं आपने पढ़ा है इस टाइप का ओ टी पी एच? शायद नहीं पढ़ा हो। इसका रिड्यूस, ये इसका रिडक्शन करता ही नहीं है, तो इसको ये रिड्यूस बिल्कुल नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनेट इसका काम ही नहीं है इसको रिड्यूस करना। तो अब इसको मान लो आप सोचोगे इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा को भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखो गलत होने के चांस पूरे पूरे हो गए ना यहाँ। तो आपको एक एक जो रिएजेंट है उनका फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो वापस अपने क्या आ रहा है, अपन भी ऐसे कैसे लिख देंगे उसको ओ टी पी एच। क्लियर है? अब देखो भैया इसके ऑप्शन देख लो एक बार के लिए। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया है? बिल्कुल, चलो ये तो आंसर ही अपना ये तो। अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या कर दिया कि लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड ने इसको रिड्यूस कर दिया, जबकि इसको रिड्यूस ये करता नहीं है, उसको ये रिड्यूस करता नहीं है एल्कोहल को। चलो फिर ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया अपना। और ये एच में भी कन्वर्ट नहीं करता, ये सारे फंक्शन ही है उसके। ये देखो ये ओ टी पी एच इस साइड में तो रिएक्शन हुई नहीं थी। क्लियर है? तो एक नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया भैया, ठीक है। इसको देखो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो इसकी मैकेनिज्म भी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है देखते हैं। कि दो एल्कोल हैं, क्या है, दो एल्कोल हैं तो क्या हो सकता है इसमें देखते हैं। चलो अब आपको पता है कि जो एल्कोल होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो सबसे पहले स्टेप में क्या कर देगा, ध्यान से देखना, वो सबसे पहले स्टेप में क्या कर देगा, तो क्या बना देगा इसको, ये जो टी एस सी एल है ये टोसाइल क्लोराइड। कल भी इसकी मैकेनिज्म भी कल अपन ने सोल्व करी थी। तो क्या करेगा, ये जाएगा इसके ऊपर और सी एल को निकाल देगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या करेगा, इस सी एल को निकाल देगा, ठीक है। तो इसको निकाल देगा तो अपने पास ए क्या बन गया है, देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए क्या बन गया है, ये तो एल्कोल ओ टी एस। लो इसको यहाँ लिख दूँ भाई, 1 डिग्री पे करेगा तो ये इसको क्या बना दिया, ओटीएस। क्लियर? जो अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया है ना पीछे, उसी को आगे बढ़ाया बस, जो उसका प्रोडक्ट है ना उसे और कुछ रिएजेंट लगा के आगे बढ़ाया उसे, ठीक है। अब ये बन गया अपना ए प्रोडक्ट, क्या बन गया है, ए प्रोडक्ट। देखो भाई आपके क्या होता है कि जो सी पार्ट होता है उसमें ये कई सारे स्टेप वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो पहले वाला क्वेश्चन और ये मिला के पूरा क्वेश्चन आ जाए जिसमें थोड़े रिएजेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही आएगा जिसमें कई सारे रिएजेंट पूछे गए, कई सारे स्टेप होंगे, ए बी सी डी क्या क्या बनेगा, पूरे पेज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बस उसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। ये बन गया अपने पास ए, चलो सर ए तो बन गया। अब सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड में क्या हो सकता है, चलो इसको कराते हैं सोल्व। इस सेकंड स्टेप में क्या दे दिया है सर, एसिड दे दिया है, क्या दे दिया है, एसिड दे दिया है। इसमें बस एक थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है ऑफिस में, ये क्या है ओ टी पी, ये जो अभी किया था ना उसका प्रोडक्ट है, ये टेट्राहाइड्रो पाइरेन, ये क्या है, टेट्राहाइड्रो पाइरेन। चलो वो एल्कोहल नहीं है, वो क्या है ओ टी पी, ये थोड़ा सा करेक्शन था उसमें, ठीक है। अगर ओ एच होता तो भी अपन सही चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके ऑप्शन फिर बनेंगे नहीं ना वो। तो ये क्या था पहले, ओ टी एच पी जो अभी किया था ना पहले वाला क्वेश्चन, बस वही उसका ही प्रोडक्ट है ये। चलो उसमें इतना सा करेक्शन था इसमें। अब देखो पहले वाला स्टेप हो चुका है ओ टी एस, अब दे दिया है कि सर एसिड, ये क्या दे दिया, एसिड। अब देखो इसकी रिएक्शन एक साथ करा लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पता भी आपको क्या होगा कि ये एसिड की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएगा, ये ओ टी एस क्या हो जाएगा, ओ टी एस एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है,
OTS इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, तो फिर क्या होगा कि ये जो अपना रिएक्टेंट है OTPH वाला, इसके पास भी क्या है ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा इसके बैक साइड अटैक करेगा, ये क्या करेगा इसके बैक साइड अटैक, और ये OTS को हटा देगा एसिड बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, मैं इसको एक साथ ही लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा इसको हटा देगा। अब देखो इसको हटाया है और किस साइड में लगा हुआ है ये ग्रुप, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करना, वेज पे, इस पे लगा हुआ है, ये वेज पे लगा हुआ है, तो वेज पे लगेगा तो ये इपोक साइड कौन सी साइड से बनेगी, वेज की तरफ से बनेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अरे भाई किस साइड में लगा हुआ है ये OH, ये ओ वेज की तरफ से, इसी तरफ से जा रहा है ये, तो देखो ये इपोक साइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ। ये हो गया इपोक साइड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या बन गई है, एक इपोक साइड। अब देखो अगला स्टेप क्या है कि सर ये तो अपन ने बी बना दिया है, कोई समझ में आ रहा है, ये बना दिया बी इपोक साइड का फॉर्मेशन इसकी प्रेजेंस में। चलो अब देखते हैं कि सी में क्या होगा, तो सी में देखो ये पूरा एक ग्रुप है अपना, उसके साथ लगा हुआ एम जी बी आर, मीन्स जो आर एम जी एक्स पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है आर एम जी एक्स, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं ना बस जस्ट वही। ठीक है, तो ये आर ग्रुप और ये एम जी बी आर, एक्स की जगह क्या आ गया ब्रोमिन। चलो अब इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या, इसका काम क्या होता है, इपोक साइड रिंग को ओपन करना, इसको इपोक साइड रिंग को ओपन करना। अब देखो इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है कौन सी साइड से रिंग को ओपन करेगा, ध्यान से देखना भाई, इसके पास अब क्या है दो पॉसिबिलिटी है कि कौन सी साइड से ये रिंग को ओपन करेगा। चलो पहले मैं इसको लिख लूं यहाँ पे, एम जी बी आर, ये क्या हो गया अपने पास एम जी बी आर। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जो एम जी बी आर है, जब इपोक साइड की रिंग ओपनिंग होगी तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो यहां से हो जाए, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार सर ये यहां से भी तो अटैक कर सकता है, यहां से भी तो अटैक कर सकता है। तो अब अपने पास कोई इसके साथ कोई रिएजेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये कहां से जाएगा, जहां से रिपल्सन कम फील होगा, जहां से रिपल्सन कम फील होगा। तो अब एक चीज बताओ, इस साइड से जाएगा तो कोई रिपेल करने वाला है ही नहीं, इस साइड में ग्रुप है CH2 ग्रुप पूरा, ये एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो इस साइड से रिंग ओपनिंग होगी। तो चलो कराते हैं सर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, अरे थोड़ा सा रिएक्शन फिजिबल जिस साइड से हो बस उसी साइड से करनी है अपने को। ये देखो ये इस साइड से क्या हो गई रिंग ओपनिंग, तो यहाँ तो ये क्या लग गया, देखो इस साइड से रिंग ओपनिंग होती तो अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता, इस साइड से है तो अलग टाइप का बनेगा। चलो अब इस साइड से रिंग ओपनिंग हुई तो ये हो गई रिंग ओपनिंग, क्लियर है, तो यहाँ तो क्या लग गया OH, क्या लग गया OH। अब देखो इस पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से देखना ध्यान से आप, ये जोड़ा अपन ने, ये बन गया भाई अपना प्रोडक्ट, आया क्या समझ में आपको, अरे आया क्या समझ में, कॉपी पेन लो इसको सोल्व करो। ठीक है, वो लिखते जाओ साथ 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 इसको लिखते जाओ, नहीं तो क्या भूल जाओगे बाद में। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा था TACL, तो सब कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं कि ये OH किस में कन्वर्ट हो गया OTS में, अब OTS में कन्वर्ट हो गया तो ए बन गया, अब क्या एसिड बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये यहाँ से अटैक कर इसको निकाल देगा OTS वाले को, ये वाले को। ठीक है, तो ये बन गए इपोक साइड का फॉर्मेशन, किसका हो गया इपोक साइड का फॉर्मेशन। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये एम जी बी आर जो है, ठीक है, ये अटैक करेगा। अब इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी थी, तो दोनों में से अपने को देखना था कि फिजिबल कौन सा है, हिस्टेरिकली अप्रोचेबल कौन सा है, तो ये रहा, क्योंकि इस साइड में कोई रिपल्सन विपल्स कोई हिस्टेरिक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा इसको हटा देगा। तो ये एल्कोल, और एल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी नहीं, क्योंकि इस पर तो रिएक्शन हुई नहीं सेंटर पे। ठीक है, तो ये वेज पे लगा रह गया और ये अपना ग्रुप जुड़ गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, देखो अरे ऐसा ऑप्शन कहाँ है, देख लेना कर लेना, ये देखो डी ऑप्शन रहा, ये कौन सा रहा डी ऑप्शन। क्लियर है भैया, आया आपको समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये क्या है वेलिन, अमीनो एसिड की बात करते हैं ना अपन, ये क्या है वेलिन, नाम से भी दे सकता है वेलिन, क्या है ये नाम से भी दे सकता है। तो चलो इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है सर पहले वाले स्टेप में। अब अपने को देखो दे दिया है सबसे पहले BH3, क्या दे दिया है BH3। अब BH3 का काम क्या होता है, अरे BH3 का काम क्या होता है, ये तो सिलेक्टिव रिएजेंट होता है, क्या होता है सिलेक्टिव रिएजेंट। तो इसका कुछ ऑर्डर है कि पहले किसको करेगा उसके बाद में किसको करेगा, तीन नंबर पर किसको करेगा, चार नंबर पर किसी को करेगा, पूरा ऑर्डर है इसका, पूरा इसका ऑर्डर है। तो इसका सबसे पहले काम जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है BH3, ये अपने पास क्या है, ये एसिड, क्या है एसिड, एसिड को रिड्यूस करता है किसमें, किसमें करता है एल्कोहल में, एसिड को किसमें रिड्यूस करता है
एल्कोहल में। तो पहला स्टेप ठीक है, उसको करते हैं अपन सोल्व कि सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ और इसके ऑप्शन बनाने स्टार्ट करता हूँ। देखो भैया पहले वाले स्टेप का पता लग गया अपने को, BH3 का काम क्या है, इसको रिड्यूस करना एसिड को, किस में, एल्कोहल में। तो चलो सर इसको बना लेते हैं। ये तो क्या अपना NH2, ये एल्कोहल, ये क्या बन गया अपने पास, एल्कोहल। क्लियर है, ये क्या बन गया अपने पास, एल्कोहल। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गया समझ में। आगे ये या हो सकता था ये क्वेश्चन ऐसे दे, ए फिर दोबारा बी फिर सी और फिर डी, सारे एजेंट है ना, चारों का काम पता होना चाहिए अपने को। चलो ये तो इसने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया एल्कोहल में। चलो अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अब देखो इसमें बेस दिया हुआ है और ये कंपाउंड दिया हुआ है, सी डबल बॉन्डो ओ ई टी ओ ई, क्या दिया हुआ है, सी डबल बॉन्डो ओ ई टी ओ ई। चलो तो फिर इसको सोल्व कर, देखो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार। देखो भैया यहाँ देखना, आप इसको ही वापस लिखा है मैंने OH, ये क्या है NH2, ये क्या है NH2। अब देखो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की, बेस क्या है K2CO3 OET OET, ये क्या है OET OET। अब देखो मैं दोनों स्टेप एक साथ कर लूँ, दोनों स्टेप एक साथ करूँगा, क्या होगा कि बेस का काम क्या होता है, H+ लेना, वो कहाँ से ले सकता है कि एक तो ये रहा एक ये रहा, पर बेस का काम H+ लेना है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से भी ले लेगा और यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो अगर एक साइड से लेता है तो देखो, अब ये अगर यहाँ से लेता है तो NH- बन गया, और यहाँ से लेता है तो O-। अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बेस ने H+ ले लिया है तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट बन गई, क्या बन गई, न्यूक्लियोफिलिक साइट और इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये रही अपने पास। ये देखो डेल पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, तो देखो दोनों एक साथ करें, ये इसके ऊपर अटैक करे, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये वापस आएगा, तो एक OET का मोल निकल गया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लिखें कि एक बार बेस ने ये वाला हाइड्रोजन लिया, तो देखो ये इसके ऊपर अटैक करे, ये यहाँ से यहाँ जाए, इसको निकाले, वापस OET निकल गया, क्लियर है। इसका मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है, इसका एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। तो चलो सर ये चीज़ हमारे समझ में आ गई, तो इसको लिखें अपन, देखो ध्यान से देखना, ये NH इसके साथ, ये ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने को क्या करना है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी चेंज करनी है, मीन्स थोड़ा आसान हो जाए लिखने में, ये डबल बॉन्ड हो ओ, तो इसको प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर लिख देंगे, इसको प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर लिख देंगे, तो ये किस पे आ जाएगा, डैश पे, क्योंकि इसको आपको देखते हुए चलना है कि हर ऑप्शन में ये किस पे है, डैश पे, इसका मतलब डैश पे ही आएगा वो, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करिए इसकी, चलो ये जो कायरल सेंटर है इसकी। अब देखो यहाँ से आगे चले, अगला स्टेप क्या है, ये बी वाले का काम पूरा हो चुका है, सेकंड वाले का। अब तीसरे नंबर पर दिया हुआ अपने पास NaH, मीन्स बेस दे दिया, फिर से क्या दे दिया, फिर से एक बेस दे दिया, बेस दे दिया इसके साथ, ये देखो तो बेस दे दिया, तो बेस का काम क्या होगा कि H+ लेना, वो कहाँ से लेगा, मोस्ट एसिडिक एच देखेगा, तो वो सर ये रहा मोस्ट एसिडिक एच, यहाँ तो है ही एक ही एच, तो ये NaH क्या करेगा, ये वाला एच ले लेगा। अब इसने ये वाला एच ले लिया, इसका मतलब चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो थोड़ा इसको ऐसे लिख लें, सी डबल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रोजन, ये ग्रुप लगा हुआ है और ये आ गया नेगेटिव, ये क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये ऑप्शन आपके पास है, उस अकॉर्डिंग भी अपने को चलना है कि ये कौन सा सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर अटैक कर रहा है या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, पर ये भी अपने को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो जो ये लास्ट वाला रिएजेंट है ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ये डबल बॉन्ड। अब इसमें तो अटैक किस साइड से हो रहा है, ये सर यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा, ये वापस आएगा और ये यहाँ से Cl क्या निकल, एक मोल यहाँ से Cl का, तो ठीक है। अब यहाँ से एक मोल HCl का निकल के अलग हो गया, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन गया, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन गया, देखो ध्यान से देखना, ये बनाते हैं सी डबल दो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ग्रुप पहले से लगा हुआ है और ये सी डबल बॉन्ड हो, ये क्लियर है, ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया अपना फाइनल। देखो चार नंबर का क्वेश्चन है, इसी टाइप से आएगी वो, आप ही देखते हो कई सारे स्टेप, एक दो तीन चार 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 स्टेप एक साथ पूछ लिए,
मीन्स ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है 4 नंबर के पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो सोल्व किया, अब करना क्या था इसमें, वही आपको BH3 का पता होगा तो आप इसको रिड्यूस कर दोगे। इसका पता है अगले स्टेप में क्या होगा, इसके साथ ये जो दो टाइप, ये जो बेस है, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, दो बार अटैक करेगा इसके ऊपर, OH2 निकाल देगा, इस साइड से भी OH2 निकाल देगा, तो ये बन गया एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब यहाँ से दोबारा अगले स्टेप में क्या, बेस लिया, बेस का काम क्या होता है, H+ लेना, कौन सा मोस्ट एसिडिक, तो इस नाइट्रोजन का ले लेगा और आगे जाके इसके ऊपर अटैक करके Cl को निकाल देगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। इसको कॉपी में लिखते रहो, साथ साथ नोट डाउन करते रहो, चलो।